السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل سل وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وبارك وسلّم تسليما كثيرا جي، تو آية فهيمة، حدّيث بديه. جي. و... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن أبي عباس عبد الله عبد الله بن عباس بن عبد المطلب مطلب رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك بين فمن بين ذلك فمن حمى بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هَمَّ بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبع إلى سبع مائة إلى سبع سبع مائة ميات إلى سبع ميات ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئاتي فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عميلة. عملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه متفق عليه वेरी गुड ठीक है जी हम आगे बढ़ते हैं हदीस मुबारक आपके सामने है जी तो फहीमा पहला जुमले को देखिए यहां से शुरू करिए अन रसूल बल्कि यहाँ यहाँ से कीजिए फीमा यरबी अन रब्बी ही जी, फी जार है मसूल है और मुजारे है इसका मादा राइल रा हुआ इसमें जार है और रब्बी ही, ही मुझाफ मुझाफ होके मजरूर है ये दो मतलब बन जाएगा का फाइल, क्या है? का फाइल हुआ है जो माँ की तरफ लौट रहा है एक मिनट फी माँवी फीमा यरवी अन रबी ही यरवी का फाइल है रिवायत करने वाला ठीक है और ये हुआ जा रहा है रसुल्ला ठीक है यानी अम्मा इसमें जार मजरूर हो गया फीमा यानी बेसिकली क्या अन अबीबासबास मुतल रजीमा यानी अब्दुल्ला अब्न अब्बास रजील्ला जो सहाबी है वो रिवायत करते हैं अन रसुल्ला रसुल्ला से ठीक है फी मावी ये फीमा उसी महाजूर फेल से मुतक है जो यहाँ पर है ठीक है रिवायत करते हैं अन रसुल्ला फी मावी रब्बी के जो रसोलाम ने अपने रब से रिवायत किया है एक बात याद रखिएगा इस तरह के अल्फाज जब हदीस में हो तो वह हदीस क्या कहलाती है नबी अपनी मुबारक में अपने रब की बात को नकल कर रहे हैं ठीक है जी तो कहते है। तो कहते हैं वो उस हदीस में आपको ये अल्फाज मिलेंगे तोन अपने रब से रिवायत फरमा रहे हैं यानी आपके रब ने से क्या फरमाया रसोल के सामने क्या फरमाया आपको जैसे भी खाब में जो जिस भी अंदाज में आप तक दिमाग ठीक है इस जुमले में क्या है आ, सर ये हाल बनेगा रबी का क्योंकि आ, हाल में इसलिए बना रही हूँ रब जो है आ, मारिफा है इस वजह से वरना तो सिफात भी बन सकती हैं है। 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 ठीक है और आ, तबारा का बाब, बाब काफ़ से है बाप तफाउल है मादा इसका बाफ था माजी है और आला एन लाम लामवाऊ है ये भी तफाउल माजी है और इन दोनों की जो हैं हुआ है, की हैं वो राजे हैं रबी की तरफ ठीक है तो काला का फाइल क्या है जी काला का फाइल हुआ है और वो भी राजे है रबी की तरफ ठीक है मेरा ख्याल है तबारा का मुझे डाउट था इसमें ये दोनों है? सही जैसे हम कहते हैं अल्लाह तआला अब तआला वहां पर अल्लाह लफ्ज जलाला की सिफत होती है हम्म सही ठीके? ओके जी। सही है जी माशा अल्लाह आगे चलते हैं फरहाना आइए फरहाना जफर ठीक है आप नहीं आना चाह रही नो प्रॉब्लम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम टिप्पण हो गया अच्छा हाँ जी गलत मैंने क्लिक कर दिया था आपने भेजी थी ना रिक्वेस्ट जी 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 पढ़ी इन का तबल हसन आती व सया ठीक है, है। जुमला फेलिया ये जुमला इस्मिया है मुब्तदा खबर बता दीजिए जी अल्लाह इन्ना का इसम इन्ना और कतबल हसनात व सयात ये फेल फाइल और मफूल मिलकर खबर इन्ना ये इसम इन्ना और ये पूरा खबर ठीक है जी अब इसमें एक्सप्लेन करें अगले जुमले को जी सुमा भैया ना जरूर खबर को एक्सप्लेन करें ना पूरा हाँ जी खबर जो है हमारी कतबा से शुरू हो रही है जो के फेल है तो कतबा के अंदर ही फेल और फ़ाइल होगा की ज़मीर की सूरत में मौजूद है और कतबा क्योंकि एक मतदी फेल है तो उससे एक मफूल चाहिए यानी लिखा तो क्या लिखा आगे ये अलहसनाती जो के मनसूब इसम है जमा साल का और वाहर फित के साथ दूसरा फूल हमें असय आती ये नज़र आ रहा है तो ये दोनों मफूल मिलकर कतबा के लिए फेल फाइल और मफूल मिलकर जुमला फेलिया

अगला पढ़े जालिका जारिक। ये बैना जो है ये आ, वो बनकर आती है ना मजाक बनकर आता है सिस्टर बैयाना है फेल है सॉरी सॉरी हाँ जी कौन से बाब से है आ, बाबे से ठीक है बैना करना ठीक है और क्या होगा, जुमले में? वो जो है वो मफूल। मफूल होगा ठीक है बैना का फाइल हुआ है जो है ठीक है तुम बैना जालिका ये सहाबी का कौल है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले को क्या है एक्सप्लेन किया ठीक है वाजह किया तो जालीका का इशारा इस वापस इस जुमले की तरफ आ गया यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से जो बात रिवायत की कि इनल्लाहा كتب الحسنات والسियात तो फिर इस बात को एक्सप्लेन किया वाजह किया ठीक है ठीक है ओके okay, जी आगे चलते हैं अतिका आइए अगला जुमला का, कामिला तक एक्सप्लेन करें कामिला तन जी सर फमन हम्मा बी फलम या मलहा कतबह अल्लाह तबारक व तआला इंदहु हसनातन कामिलातन इसमें मन शर्तिया है और पहली शर्त है उसके बाद हम्मा बी फलम या अमल हा इधर तक ये पहली शर्त है और कताबा तबारक वसनता ये जवाब शर्त है वेरी गुड एक्सप्लेन करते हैं हम हा मी मी मादा बाब नून से हम यहूमो भी हसनातिन ये मुतल हो जाएगा ठीक है आ, हम्मा में हुआ फाइल है जो मन की तरफ राज्य है ठीक है क्या हम्मा हुआ फमन हम्मा भी हसनातिन जी जिसने नेकी का इरादा किया किसी इरादा किया मजूम कर देते हैं या अमल इधर मजूम है, बाब, सीन से है। या अमाल और या अमल हा हा इसके साथ मकबूल है और हा हसना तीन की तरफ राजे है

ठीक है।, हाँ है। है? किधर जा रहा मफूल। जी का इसमें हसना की तरफ पीछे। ठीक है। गुड इंताहु मतलब हो जाएगा और हसनतन कामिलतन ये दोनों मंसूब हैं तो ये मफूल हो जाएंगे कातबा फेल के ये दो मफूल हैं या एक मफूल है सही सही ये मरकब तो है और ये एक मफूल है कामिला तन कौन सा इसमें इसमुल फाइल है ये। इसमुल फाइल है। क्या जर्जमा हो गया? अल्लाह सुबहान अल्लाह तबारकुवात अल्लाह ने उसे लिख दिया अपने पास एक कामिल ने की। एक कामिल ने की, एक मुकम्मल ने की। Very good, excellent, माशा अल्लाह। जोया आइए। जी अस्ताल। अगला ज़ुमला। जी, वा इन हम्मा बिहा, फ़ागमल यहाँ पे इन शर्त लिखने में ऐसे होता है लेकिन सौ को कहते हैं जी लिखने में ऐसा ही होता है लेकिन इसको पड़ा मिया जाता है तब, तब, जी। यह, आ, तक यहां पे जवाब है ठीक है और हम हामीम मीम फेल का मद है फेले माजी बाबे नून से हम यहू और इसका फाइल हुआ है हम यहू का क्या मतलब होता है इरादा करना कसरत करना यानी दिल में ख्याल भी पैदा हो जाना जी ठीक है ओके जी आ, बीहा मुतालिक के फेल है पा अदब तरतीब और ताकिब के लिए अमीला हा अमीला फेल माजी आइन मीम लाम अमीला यामलू बाबे सीन से और हा मफूल

या उससे ज्यादा लिख देता है या उससे भी ज्यादा इला आद आप इन कसीरा हम नहीं जानते ये इखलास पर डिपेंड करता है दस से शुरू हुई दस से सात सौ और फिर सात सौ से भी ज्यादा ओके गुड वेरी गुड आगे चलते हैं सुमैया लास्ट जुमले को देखिए आगे अगले वाले को जी सर वह इन हम भी सही अतीन फलम या मल हाबाह इंदू हसनतन कामिलतन जी वह इन ये इन शर्तियां है वह इन और अगर वो इरादा कर पहले मुझे जुमला शर्त शर्त और जवाब अलग कर दें। जी सर ये जुमला शर्त है वह इन भी सही अतिन। ये एक इसका ये जुमला शर्त है और इसका जवाब शर्त है नहीं, तो नहीं नहीं, नहीं, नहीं जवाब शर्त तो आगे आ रहा है नतीजा निकलना वो ये है अगर। ये फा यहाँ पर तरतीब का काम कर रहा है अतफ है तरतीब के लिए जी सर ठीक है ठीक है सही। उससे कंफ्यूज हो गई हैं शायद आप लेकिन ये तर्तीब का काम कर रहा है ओके आप देखें जी हाँ, और अगर वो किसी बुराई का इरादा करे फिर वो एक मिनट तर्जुमा नहीं करें करे। पहले ग्रामर तो एक्सप्लेन कर लें ओके सर जी सर जी इन शर्तिया हम जो है ये वो फेल है हामी में, में इसका बाद मादा है और बाबनून से हम ठीक है ठीक है बी सही है भी सही है, तीन जो है ये कि किसी नेकी का, फेल है ये।, का क्या है? ये सर इसका फाइल है हुआ जी ना, ओके सर फलम जो, जो है ये अतफ है, जो है ये जवाजे में मुदार है यामल जो है ये मजसूम है और हा जो है ये जा रहा है नेकी की तरफ यामल है

जी बिल्कुल सर इनशा जो है ये हाँ जी। कताबा, मतलब उसका मादा है कताबा ये और इसमें जो है फाइल इसका जाहिर इसमें जला फेले माजी है हाँ जो है ये मफूल है इसका और ये भी बुरा मतलब नहीं हाँ बुराई की तरफ ही जा रहा है इसका ये मतलब बुराई की तरफ, तरफ नहीं जा रहा सही है की तरफ जा रहा है जी सर सही है की तरफ जा रहा है हाँ जी सही है इंदा ये इंदा जो है ये जरफ है हु जो है इसका मुदाफिले है इंदा और ये मुतल के फेल बनता है यहाँ पर मुदाफिल और हसनतन कामिलतन ये यहाँ पे मकबूल है और अब तो शिक्षा ठीक है क्या तर्जुमा हुआ कतब अल्लाह इंदा हसन कामिला जी अल्लाह 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 ज़िसमें अल्लाह ज़ुह्ज़ल उसे अपने पास मतलब पूरा लिखते हैं क्या पूरा है लिखते हैं उस बुराई को बुराई पूरी लिख लेते हैं मतलब अल्लाह हो इंदौ हसन अल्तन कामिल अल्तन कतब अल्लाह हो इंदौ एक पूरी नेकी लिख लेते हैं सर सर मैं कंफ्यूज एक पूरी नेकी लिख लेते हैं अगर वो ना करे जी जी बिल्कुल समझ ठीक ठीक है थीक है इन हम ख्याल फलम ही अमल उस पर अमल नहीं करता अल्लाह उसको अपने पास पूरी एक नेकी लिख लेता है ओके अदीबा आखिरी जुमला एक्सप्लेन करें और अगर वो इरादा करे इसका फिर अमल करे इसलिए इस, पर अलग तो ये इस, इस क्या, क्या होता है बताइए बुराई, बुराई का यानी बुराई का यानी पीछे इस बुराई का और अगर वो इरादा करे इस बुराई का फिर वो अमल कर ले आपने इसको भी साथ शामिल रखना बिल्कुल जरूर समझाया सीधा कहे सिस्टर वह इन हम अभी अगर वो बुराई का इरादा करे देखिए ये जमायर तो ग्रामर में आ रहे हैं ना लेकिन हमें बताना है ये, ये हा किधर जा रहा है वो हम अल्फाज में बताएंगे जी सर ठीक है और अगर वो इरादा करे बुराई का फिर वो अमल कर ले उस बुराई पर अल्लाह ताला अल्लाह ताला अल्लाह ने लिख लिया उसको उस बुराई को एक ही आ, बुराई एक पूरी बुराई सहिद एक बुराई ठीक है बहुत शुक्रिया ये याद रखा करें देखिए पहली जमीर को आप वाजे कर देना कहाँ जा रही है उसके बाद फिर आप इस लगाती रहें ठीक है ठीक है, तो ठीक तो है। हो अगर उसने बुराई का इरादा किया उसने उस पर अमल किया कहा था सैन वाहिदा

उसका हम पर रहीम होना है उसका हम पर करम है क्योंकि किसी आ, अगर आपने इरादा किया मिसाल के तौर पे मैं नमाज तो भी दो नमाज पढ़ूंगी थोड़ी देर में फिर आप बिजी हो गई आप नहीं पढ़ पाई लेकिन आपने अल्लाह की तरफ एक कसर किया था तो अल्लाह अपनी तरफ कसर करने वाले के कसर को भी जाय नहीं करता इरादे को भी जये नहीं करता उसका भी अजर दे देता है सुबह अल्लाह ये अल्लाह तला की हम पर कितना कर्म है कितना बड़ा करम है कि अल्लाह तला हमारे इरादों को भी नेकियों के हिसाब से लिख लेता है तो इसकी कई मिसालें बहुत से इंसान काम बाजा आपने सदक का इरादा किया मैं सदका देती हूँ लेकिन नहीं दे पाई बिजी हो गई मसरूफ हो गई लेकिन अल्लाह ने अपने पास उसकी, उस नेकी को लिख लिया कि आपने एक नेक कमल का इरादा किया अच्छा ये जो नए कामाल के इरादे होते हैं ना ये इरादे भी दिल में एक नूर पैदा करते हैं जैसे गुनाह करना एक नुकता लगा देता है सयाह दिल के ऊपर वैसे ही नेकी के इरादे भी दिल के अंदर रोशनी पैदा करते हैं ये और रोशनियों को लेकर आते हैं दिल को मुरवर करते हैं दिल के अंदर मजीद इरादे पैदा होते हैं अगर हम नेकी के इरादे भी नहीं करेंगे ना तो दिल हमारा कमजोर रहेगा तो ये इरादे भी करने चाहिए अच्छा मैं ये काम करूंगी अच्छा मैं ये काम करूंगी अच्छा मैं ये अमल करूंगी कम अज़ कम इरादों को सार रहे तो इन श्ला सुबह तला से तोफीक भी मांगे तो उसको अमली जामा भी पहनाने की अल्लाह तोफी ताफरमा देता है फिर अल्लाह ने फरमा फिर अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया व इन सुभान ला या ला तो कितना करीम है अगर कोई आदमी वो उस नेकी के ऊपर अमल कर डाले जिसका उसने इरादा किया था अल्लाह उसको 10 नेकियां ता फरमाता है और फिर 10 से लेकर 700 गुना तक और 700 गुना से भी ऊपर देखिए 10 नेकियां तो हो गई लेकिन ये 700 तक और 700 से ऊपर क्या है ये फिर इखलास के दर्जे के ऊपर है कि उसका इखलास कितना खास था उसने उस नेकी को करके लोगों से भी छुपा कर रखा ये सब फिर बातें डिपेंड करती हैं कि उसके उस इखलास के लेवल को वो अगर उस इखलास के हाईएस्ट दर्जे को छू गया तो फिर सात सौ गुना से भी बात ऊपर चली जाएगी अल्लाह ताला मुझे आपको हम सब को तोफी किताब फरमाए फिर नबी करीम सल वसलम ने फरमाए इनहम भी सही है अचिन फलम अमलहा अगर किसी ने किसी बुराई का इरादा किया किसी एक का फलम नहीं किया अल्लाह का रहीम है हमारे साथ कि हम बुराई का इरादा करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते फिर भी तू हमें एक नेकी दे रहा है सुबह अल्लाह ने यहाँ लिखा है कि इसके एक तोी उन्होंने ये बयान किया शेख हुसैमिन ये फरमाते हैं कि इसका मकसद उन्होंने ये लिखा है कि आदमी ने किसी गुनाह का इरादा किया लेकिन उसको इसलिए तर्क कर दिया कि या अल्लाह अल्लाह नाराज हो जाएगा नहीं मैं ये नहीं कर सकता मैं मुझे ये नहीं करना चाहिए अल्लाह ताला को मैं नाराज नहीं कर सकता उन्होंने इसको इस तरह से लिया है यानी ये नहीं कि उससे गुनाह हो नहीं पाया यानी एक आदमी ने गुनाह का इरादा किया और मिसाल के तौर पर चोरी करने गया और आगे चोरी हो नहीं पाई आगे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था वापस आ गया अब उसने इरादा तो किया था लेकिन वो उसको अमली जामा नहीं पहना सका किसी भी वजह से किसी ने उसको फोन कर दिया यार उधर चले तो वो उसका इरादा फिलहाल तो मौखर हो गया तो ये वाली बात नहीं वो कहते हैं ये वो बात है कि उसने किसी ने बुराई का इरादा किया लेकिन उसने उस बुराई को अल्लाह के डर से तर्क कर दिया कि अल्लाह मैं नहीं कर सकता मैं तुझे नाराज नहीं कर सकता तेरी नाराजगी में मोल नहीं ले सकता तो ऐसी ऐसे इरादे को तर्क करने को भी अल्लाह ताला तक की मुकम्मल काम नेकी अता फरमाते हैं और अगर उसने उस बुराई पर अमल कर ही डाला तो फिर उसकी सजा उसको क्या है इन हम बिहा तो अल्लाह ताला की ये रहमत है इंसान पर कि अल्लाह फिर उसको सजा भी सिर्फ उतनी ही गुनाह जितना है सिर्फ उसकी उतनी ही बुराई लिखी जाती है उसको फिर मल्टीप्लीकेशन नहीं की जाती ये भी अल्लाह ताला की हम पर उसका रहम है जैसे वो हमें देने में हम पर बड़ा करीम है ऐसे हमें माफ करने में भी करीम है और हमसे दरगुजर करने में भी करीम है अल्लाह तला नेकियों के इरादों करने की तोफी के ताफरमा अजाकुम खैरा